आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कर देगा मालामाल। याद रहे कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड पहले ही दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है और अब इस वर्ल्ड कप की मेजबानी के बाद तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हो गए हैं वारे न्यारे। स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की मेज़बानी से इंडिया को पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक 66,000 करोड़ रुपए यानी 2.6 बिलियन डॉलर से ज़ायद की आमदनी मतवक्को है। यह 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप इंग्लैंड में मुनक़द हुआ, इससे इंग्लैंड की मईशत को 350 मिलियन डॉलर की आमदनी हुई। लेकिन अब आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 ने इनकम के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। माजी में इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मिलकर वर्ल्ड कप का इनेकाद कर चुका है, लेकिन ये पहला मौका है कि वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस इंडिया में खेले जा रहे हैं। इंडिया के 10 शहर वर्ल्ड कप के 48 मैचेस की मेज़बानी कर रहे हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड को सबसे ज़्यादा इनकम टीवी राइट्स से हो रही है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के मैचेस के नशरियाती हकूक से इंडिया को 36,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। टूर्नामेंट के ज़्यादातर मैचेस डे एंड नाइट हैं। अगरचे टूर्नामेंट के इब्तदा में तमाशाइयों ने कम तादाद में स्टेडियम का रुख किया, लेकिन अब स्टेडियम तमाशाइयों से खचाखच भरे हैं। दूसरी तरफ टीवी पर शाम के टाइम मैचेस की व्यूशिप बहुत ज़्यादा है। लोग अपनी मसरूफियात से फ्री होने के बाद वर्ल्ड कप के मैचेस लाइव देख रहे हैं। जहाँ एक तरफ इंडियन क्रिकेट बोर्ड टीवी की लाइव कवरेज से पैसे कमा रहा है, तो वहीं टिकट्स की फ़रोख से भी अच्छी खासी आमदनी हो रही है। वर्ल्ड कप में टिकटों की फ़रोख से 6,000 करोड़ रुपए से ज़ायद की इनकम मतवक्को है। जहां दुनिया के 9 मुख्तलिफ ममालिक की टीमें इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, तो दुनिया भर से सयाह, मीडिया के नुमाइंदे, ब्रॉडकास्टर्स और कमेंटेटर्स भी इंडिया में मौजूद हैं। ट्रैवल और मर्चेंडाइजिंग से 66,000 करोड़ रुपए की इनकम मतवक्को है। वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों में कोका कोला, गूगल, इंडियन यूनिलीवर, एमरेट्स एयरलाइन, सऊदी अरब की आरामको और निसान नुमाया हैं। इसके अलावा दीगर स्पॉन्सर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। वर्ल्ड कप के मैचेस सारी दुनिया में लाइव देखे जा रहे हैं। वर्ल्ड कप के मैचेस पे इश्तहारात का रेट बहुत ज़्यादा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को अलग अलग टेलीविजन बीम भेजी जाती हैं। दुनिया के तमाम ममालिक की ऑडियंस के मुताबिक इश्तहारात ऑन एयर होते हैं। इन इश्तहारात से भी अच्छी खासी आमदनी हो रही है। मौजूदा वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने मजमूई तौर पर 1 करोड़ डॉलर की इनामी रकम का ऐलान किया है। 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेले जाने वाले फाइनल में जीतने वाली टीम को 40 लाख डॉलर्स की इनामी रकम दी जाएगी। फाइनल हारने वाली टीम को 20 लाख डॉलर्स इनाम मिलेगा। हर ग्रुप मैच जीतने पर टीम को 40,000 डॉलर्स मिलेंगे। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना करने वाली 6 टीमों को 1 लाख डॉलर्स और सेमीफाइनल हारने वाली टीमों के लिए 8 लाख डॉलर्स के इनाम का ऐलान किया गया है। याद रहे कि आईसीसी के फाइनेंशियल मॉडल ईयर 2017 टू 2023 तक के मुताबिक आईसीसी की आमदनी का बड़ा हिस्सा इंडिया को मिलेगा। इंडियन बोर्ड को पिछले मॉडल के मुकाबले में 112 मिलियन डॉलर्स ज़्यादा मिलेंगे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को गुज़श्ता 8 साल के दौरान मिलने वाली मजमूई रकम 405 मिलियन डॉलर्स है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को 128 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान को इस रकम का हर साल 12 से 15 मिलियन डॉलर्स मिलता है।